हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आज मैं यूट्यूब चैनल हेलो सर के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। मैं बिल्डिंग डिजाइनिंग से संबंधित मटेरियल, सेंड, सीमेंट, मोटर एवं रड, ईट्स मटेरियल संबंधित जानकारी दूंगा। आज मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार के बारे में बताऊँगा। आप मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm ईट्स रड रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि एक रड का वेट या वजन कितना होता है या एक बंडल का वेट वजन कितना होता है? तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ यही शेयर करूँगा। मान लीजिए सपोर्ट डेट आपके पास एक ये रड है जिसका डाया 8 mm है, तो आप क्या जानते हैं कि एक रड का वजन, एक रड का वजन क्या होगा या एक बंडल रड का वजन क्या होगा? जी, आप देखते हैं कि एक रड जो होता है उसका लेंथ जनरली 12 मीटर होता है। जी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि रड वो आपका बंडल के रूप में होता है। तो मान लीजिए आपका इस टाइप से बंडल के रूप में है जिसका डाया आपका 8 mm है। तो आइए हम बहुत बेहद ही आसान ट्रिक द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सपोर्ट डेट आपका रड 8 mm का है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे 1 rd/m। कैलकुलेशन क्या होगा? तो फार्मूला आपके पास है d² / 162, जहां d है आपका डायमीटर ऑफ स्टील बार, तो फर्स्ट आप निकाल रहे हैं 1 rd/m के रूप में वेट। तो हम देखेंगे, देख रहे हैं कि डायमीटर है आपका 8 mm दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 8 × 8/162। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 64/162 बराबर 0.39 kg/m। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि 0.39 kg/m है। इसका मतलब क्या है कि आपका 8 mm रड जो है 1 मीटर में उसका वजन जो है वह 0.39 kg होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेरा दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एक रड का वजन क्या होगा? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 rd का वजन बराबर, आप जानते हैं कि एक रड जो है उसका जनरली लेंथ जो है वह 12 मीटर होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 12 × 0.39 कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपका आता है ये 4.68 kg। जी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक रड का वजन आपका आता है 4.68 kg। अब हमें नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, एक बंडल रड का वजन क्या होगा? एक बंडल रड का वजन बराबर क्या करेंगे, आप एक बंडल रड में ये जानते हैं कि उसका संख्या जो है वह 12 को होता है, तो 12 संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि एक रड का वजन है 4.68 kg, तो 12 रड का वजन आपका हो जाएगा 12 × 4.68 kg। ये आपका आता है कैलकुलेशन करने पर 56.16 kg। जी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों प्रश्न का आंसर, एक रड का वजन क्या होगा तो वह 4.68 kg, और सेकेंड आपका एक बंडल रड का वजन क्या होगा तो वह आपका 56.16 kg। जी दोस्तों, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत आसान तरीके द्वारा हम इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं 16 kg। जी, तो हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल को
लाल बटन दबाकर प्रेस करें एवं सब्सक्राइब करें और आप कहीं नहीं जाएं। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम देखेंगे सेकेंड। मान लीजिए सपोर्टेड आपके पास 12 mm डायमीटर का रड है। मान लीजिए सपोर्टेड आपका रड ये है जिसका डाया 12 mm है और आप जानते हैं कि एक रड का लेंथ जो होता है वो 12 मीटर होता है। अब हम इसको देखेंगे कि 1 rd/m कितना होगा। तो दोस्तों आपके पास फार्मूला दिया हुआ है d²/162। d आपका जान रहे हैं कि d आपका डायमीटर ऑफ रड है यानी 12 का स्क्वायर कीजिएगा बाय 162 तो ये 144 बाय 162 4 बाय 162 आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ये आएगा 0.89 kg/m। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 mm डाया का रड है आपका तो 1 rd/m में आपका 0.189 kg आया पर मीटर यानी 1 meter में रड का वजन क्या होगा 0.89। तो आपके पास अब सेकेंड में देखिएगा कि मान लीजिए सपोर्ट डेट आपको एक रड का वजन निकालना है एक रड का वजन जिसका डाया आपका 12 mm है तो आप क्या कीजिएगा और ये भी आप जान रहे हैं कि एक रड का लेंथ आपका क्या है 12 मीटर तो आप क्या कीजिएगा 12 meter × 0.89 कीजिएगा ये आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद 10.68 kg। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 mm डाया का एक रड है उसका वजन आपका 10.68 kg है। अब हम देखेंगे मान लीजिए सपोर्टेड आपका ये बंडल के रूप में है बंडल के रूप में रहेगा जिसका डाया आपका 12 mm ही है तो बंडल के रूप में मान लीजिए आपका एक बंडल में 12 mm का रड का संख्या 8 है तो आप क्या कीजिएगा एक बंडल रड का वजन तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बंडल में रड जो है वो आपकी संख्या क्या है हम माने हैं 8 है और जनरली ऐसे 8 भी होता है तो आप कीजिएगा 8 × 10.68 kg ये आपका कैलकुलेशन के उपरांत आएगा 85.44 kg। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 12 mm रड का वजन कैसे आप निकालिएगा। एक रड का आपका वजन आ गया 10.68 kg एंड एक बंडल रड का वजन आ गया आपका 85.44 kg। जी दोस्तों यदि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा कि हम किसी भी रड का बिना तोले हुए बिना वजन किए हुए उसका वजन कैसे निकालेंगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।